मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। ये जगह कितना सुंदर है ना, अभी भोर होने वाली है, उसके पहले हम लोग आए हैं। अंधकार और भोर दोनों हैं और थोड़ी ही देर में रोशनी आने वाली है, ये लाइट सब बुतने वाली, कितना सुंदर है ना। यहाँ से आप देख रहे हैं ना उस जलपाई का पर्वत, यहाँ से देखने के वक्त बहुत सुंदर है। आपको मालूम है ये स्थान कहाँ से आप देख रहे हैं, और इस स्थान को कहते हैं सिटी ऑफ डेविड। यहाँ दाऊद का किला पाया जाता है, यहीं पर से देख सकते हैं। वहीं पर आप देख रहे ना यरूशलेम की, परमेश्वर की मंदिर दिखाई पड़ता। यहीं से उस जलपाई का पहाड़ या कातूस पहाड़ या कुसारे पहाड़ को यहाँ सुंदर ढंग से आप देख सकते हैं। मैं ऐसे स्थान में खड़ा हूँ, परमेश्वर ने ये स्थान को जागृति की प्रार्थना करने के लिए दिए ना, उसी के ऊपर मंजिले से बात कर रहा हूँ। बहुत सुंदर है ना, आप भी इस यरूशलेम में आना होगा जरूर एक बार। हमारी यात्रा के साथ यरूशलेम की यात्रा में आप भी आइए, प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन में जरूर आशीष मिलेगा। प्रभु का आशीष आपका साथ रहे। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है अध्ययन करेंगे। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 32 अध्याय का 27 में, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ और सारा भूमंडल के सारे सृष्टि का परमेश्वर है। वो हमसे कहता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। प्रिय बेटी आप ही से प्रभु कहता है, प्रिय बेटा आप ही से परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहन सारे लोगों से परमेश्वर आज ये प्रश्न पूछ रहा, क्या मेरे लिए कोई कठिन भी काम है। उत्तर दे, हमेशा अपनी समस्या को अपनी जरूरतों को आप देख रहे हैं ना। परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई कठिन काम है। मैं तेरी बीमारी से और तेरे सारे रोगों से बढ़कर कार्य कर सकता हूँ, सारी परेशानी को मुसीबतों को आज मैं दूर कर सकता हूँ। चमत्कार होने से ही होगा, ऐसे ही सोच रहे हैं ना। परमेश्वर कहता है, मैं जरूर तुम्हारे लिए करूँगा। इसलिए परमेश्वर कहता, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। देखिए एक भाई का कैंसर आ गया, डॉक्टर के पास गए, फोर्थ स्टेज है। डॉक्टरों ने जांच किया और कहा ये फोर्थ स्टेज में आ गए हैं, इसके बाद इसके लिए इलाज कुछ नहीं है, दवाई कुछ नहीं है। वे प्रार्थना करने के लिए आए, वो कहते हैं ये फोर्थ स्टेज आ गया। डॉक्टर जांच करके कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता मेरे लिए कोई कठिन काम क्या है, मैं सब कुछ असंभव को संभव कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अभी प्रार्थना के या चमत्कार ऐसे होने से ही होगा, मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया था ना। जी हाँ, मुझे परमेश्वर ने छू के चंगा किया। परमेश्वर आपके लिए भी चंगा करके वो ठीक कर सकता है। हालातों को देख के डॉक्टर जो है हकीकत को कहते हैं, लेकिन आप परिस्थिति को ना देखे, परमेश्वर कहता मैं करूंगा। परमेश्वर कहता है सारी बातें असंभव हो सकती, लेकिन मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, मैं करूंगा। इस बातों को उस भाई से कहे, उस भाई ने कहा जी हाँ मैं विश्वास करूंगा प्रभु करेगा। प्रभु उनको चंगा किया। फिर से जांच किया गया, उनसे कह दिए अभी नो कैंसर है, प्रभु से सब कुछ संभव है। उस भाई के जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने फोर्थ स्टेज जो है कैंसर को ठीक किया है। उसे डॉक्टरों ने जांच किया और कहा ये भी कैंसर, नो मोर कैंसर, कैंसर नहीं करके वो रिपोर्ट दिए हैं। उस भाई ने खुशी खुशी रिपोर्ट के साथ आके कहे ये कैसे संभव था। जी हाँ, परमेश्वर के द्वारा वो सब कुछ संभव था, परमेश्वर ने ऐसे उनसे चमत्कार किया। वही परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछता, क्या मेरे लिए कोई कठिन काम है। बेटा बेटी तू आज कहो, अब क्यों आप डर रहे। आपका आज ये विश्वास करना है, ये कार्य में परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार जरूर करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं। अपने दाहिने हाथ को उठा के आज हम कहेंगे, हे प्रभु तेरे लिए आज कुछ भी काम असंभव नहीं है मेरे जीवन में। काश ये समस्या में, ये परेशानी में, ये बातों में आज मेरे जीवन में आज चमत्कार होना है। मैं विश्वास के साथ चमत्कार को देखूंगा प्रभु। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।